इस पे एक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं और हम जानेंगे कि 4 जून को किसको जीत मिल सकती है, किसकी संभावना अधिकतम नजर आ रही है, किसके सिर पर ताज सजेगा और किसे अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से टिहरी लोकसभा सीट एक चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े संगठन को सीधी चुनौती दी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नामांकन के बाद से ही बॉबी पवार की टीम ने प्रचार प्रसार किया, तो कांग्रेस और बीजेपी की एक प्रकार से हवा निकाल के रखी। अनेक लोगों का ये भी मानना है कि बॉबी पवार इस बार टिहरी लोकसभा सीट से इतिहास रचने वाले हैं। इस पर एक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं और हम जानेंगे कि 4 जून को किसको जीत मिल सकती है, किसकी संभावना अधिकतम नजर आ रही है, किसके सिर पर ताज सजेगा और किसे अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़े हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपने कई बार इन्हें देखा होगा और बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में। लगभग 40 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने बालपन से ही ये लगे रहे और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी रही है। हम बात कर रहे हैं रघु भाई जरदारी जी की, जो हेवलवाणी न्यूज उत्तराखंड के संपादक भी हैं। तो हमारे साथ रघु भाई जरदारी जी हैं, तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं इस चर्चा में। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि टिहरी लोकसभा जो सीट है, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय टिहरी लोकसभा सीट है, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी आप देंगे और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद विनोद जी चर्चा में शामिल करने के लिए। टिहरी लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, मतदान हो चुका है और टिहरी लोकसभा सीट पर एक अलग तरह का चुनाव देखने को मिला है। इस तरह का चुनाव इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं। कुल मिला के ये सकते हैं कि बहुत नीरस चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह का चुनाव लड़ना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लड़ा है। कांग्रेस को जिस तरीके से जो है अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया है। जिन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है, बॉबी पवार एक उनको यदि हम छोड़ दें, उन्होंने पूरा चुनाव किस तरह का चुनाव होना चाहिए, जबकि उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, कम समय में तैयारी की, मात्र एक महीने पहले ही उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। न उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव है, न उनके पास कोई संगठन है, तो जिस तरह का चुनाव उन्होंने लड़ा है वो अपने आप में एक तरह अलग तरह का इतिहास बनाने वाला चुनाव है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। बहुत नीरस चुनाव ये रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस भरोसे में चल रही थी कि हमें जो है ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम तो जीत ही रहे, मोदी जी का नाम है, मोदी जी की लहर है, किसान सम्मान निधि है, आदि आदि हमारी योजना है। कांग्रेस ने ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं की कि हमारे पास कार्यकर्ता कमजोर संगठन है, संसाधन नहीं है, तो ज्यादा मेहनत करके क्या फायदा है जब हारी हमारी इससे हारी है। तो पहली बार ये अलग चुनाव, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार तो कोई दमदार निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। छोटे चुनाव बहुत लड़े, विधायक के चुनाव बहुत लड़ते थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव पहली बार देखा गया है निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा जो लड़ रहा हो, और इतने दमदार तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भले मुंह से न बोले, लेकिन अंदर खाने चर्चा वो भी बॉबी की करते रहे, और कांग्रेस के लोग भी भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी बॉबी का नाम न लिया हो, बात न की हो, लेकिन अंदर खाने वो भी बॉबी की चर्चा करते रहे। इतनी दहशत रही, बॉबी की चर्चा करते रहे। और यदि आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास बॉबी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि बॉबी पवार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में उनका पदार्पण है। तो बॉबी पवार के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए और जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए और जो मुद्दे कांग्रेस के द्वारा उठाए गए, वो किन मुद्दों के साथ तीनों जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी अन्य होंगे लेकिन चर्चित तीनों हैं, तो क्या क्या मुद्दे इनके रहे और किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़े, इसके बाद हम आगे जानेंगे कि पलड़ा किसका भारी है। लेकिन पहले मुद्दों की बात, तो बॉबी पवार के मुद्दे किस प्रकार से आपको नजर आए? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार है, बॉबी पवार ने वास्तविक चुनाव लड़ा है मुद्दों के आधार पर, क्योंकि चुनाव में मुद्दे ही होते हैं। मुद्दों के माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, ये यहाँ के मुद्दे हैं, इन पे काम की जरूरत है और इससे जो है हम आपको लाभ पहुंचाएंगे। सरकार भी तो यही करती है, लेकिन जनता तो ये बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फ्री राशन दे रही है, लोगों की पेंशन लगा दी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि अन्य सरकार आती है तो ये सुविधाएं आगे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। देखो ऐसा नहीं है, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की समय या कोई दूसरी सरकार आए, जनता के लिए कोई ना कोई योजना सरकारें लाती है, कोई कम लाता है, कोई ज्यादा लाता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इस चुनाव में, तो जबकि हम टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी चुन रहे हैं, तो वो हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए था, कैसा प्रत्याशी हमारा हो, इस पे फोकस नहीं है, नहीं रहा है दलों का। सिर्फ मोदी जी के नाम से मोदी जी की गारंटी,
मोदी जी के नाम से, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी को वोट देना है। अब यदि मोदी जी को हम वोट नहीं देंगे तो मोदी जी मजबूत कैसे बनाएंगे? सांसद की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं उनकी तो हम कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के अलावा कोई मुद्दा था ही नहीं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने सिर्फ इतना किया कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव नहीं होगा तो तानाशाही होगी। एक ही दल को बार बार मौका मिलेगा, यदि एक ही दल को ज्यादा सीटें मिलेगी तो देश में तानाशाही करेगा। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं देगा, तानाशाही करेगा। कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात भी लगातार कांग्रेस द्वारा की जा रही है और इस बार कहीं ना कहीं टिहरी लोकसभा सीट में खासकर ये देखने को मिला है कि एक वोटरों का एक ऐसा समूह भी है जो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आज तक कहां थे, और ये सवाल पूछे गए, मतदान हो गया है लेकिन चुनाव में हमने अलग अलग स्थानों पे देखा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक जो वोटर है वो जाग भी रहा है। यदि कुछ मोदी का चेहरा ही देख रहे हैं, केंद्रीय जो योजनाएं हैं, केंद्रीय जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं उसको नजरअंदाज करते हुए जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पे भी कुछ वोटरों का ध्यान है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी को भी मजबूत देखना चाह रहे हैं। देखिए, वोटर भले ही खामोश भी रहता है, बोलता भी नहीं है, कई बार पूछ तो बोलता है, लेकिन जो खामोश भी रहता है तो उसके मन वो समझता सब चीज, ये नहीं कि वो समझता ना। लेकिन इस चुनाव में एक वर्ग ऐसा भी देखा गया मतदाताओं का जो हमने महसूस किया है कि वो पूरी तरह खामोश रहा, उसने ना बीजेपी की बात सुनी ना कांग्रेस की बात सुनी, वो सिर्फ ओवरऑल प्रत्याशियों की बात सुनता रहा और उसने मन ही मन में निर्णय लिया है कि मैंने अपने हिसाब से मतदान करना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखने में आई कि कांग्रेस के जैसे पार्टी के लोग तो अपने लिए काम करते हैं ना, अपने प्रत्याशी के लिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। इस चुनाव में तो ये भी देखा गया है कि जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनमें से बहुत सारे दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए काम नहीं किया, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों जगह भीतरघात भी हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं ने जो है भव्य के लिए भी काम किया है। मैं तो दावे के साथ भी ये चीज कह सकता हूँ कि बॉबी पंवार के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और भीतरघात हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भीतरघात का भी नुकसान इस चुनाव में देखने को मिले। जी, भीतरघात हुआ है, भीतरघात यूं ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को जब कार्यकर्ता है वो देखते हैं और उससे नाखुश रहते हैं तो भीतरघात होने की यही सबसे बड़ी संभावना होती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता को, हर किस पार्टी के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता होती है, सशक्त प्रत्याशी की आवश्यकता होती है। तो बॉबी पंवार के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहे, न सिर्फ टिहरी में बल्कि पूरे उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी, उत्तराखंड के जो तमाम वोटर हैं वो बॉबी पंवार को एक बदलाव के रूप में देखते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक बदलाव आ सकता है। तो बॉबी पंवार ने जिस प्रकार से इस तमाम चुनाव में अपने मुद्दे उठाए, अपने प्रचार प्रसार किया, तो बॉबी के चुनाव कार्यक्रम में आपको क्या क्या बेहतर नजर आया बीजेपी और कांग्रेस? तो प्रत्याशी के पास जो पहला गुण होना चाहिए, जनता के पास जाने का मुद्दे, और मुद्दे कहाँ के, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। अब माना बॉबी पंवार चुनाव लड़ रहा है टिहरी लोकसभा से और बात कर रहे हैं पौड़ी लोकसभा की, तो ये बात हजम थोड़नी होगी। जैसे कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, माना पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी पौड़ी या जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट के मुद्दों की बात करने की बजाय, वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं उनका समाधान की बात करने के बजाय दिल्ली की बात करें, मोदी जी की बात। अरे मोदी जी जिस चीज के लिए बैठे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे ही। बिल्कुल, मोदी जी की बात, और कहीं ना कहीं जो गढ़वाल लोकसभा सीट है, पौड़ी लोकसभा सीट है, वहां पे अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है वो बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तमाम जो पब्लिक थी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गई थी, एक आक्रोश का माहौल बना हुआ था। गढ़वाल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गणेश गोदियाल जी लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर के बात उठाते रहे, और यूकेडी की टिकट पर आशुतोष नेगी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के लिए जो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तमाम ये मुद्दे बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं गढ़वाल लोकसभा सीट पर। जबकि बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अंकिता भंडारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके जो घोषणा पत्र हैं, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया है, क्या उसमें अंकिता भंडारी का जिक्र है, भू कानून का जिक्र है, उत्तराखंड में जो भर्तियों में धांधली हो रही उसका जिक्र है,
कि मूल निवास 1950 का जिक्र है। हर व्यक्ति की एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम उसको देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। आपका इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये जितने भी हमारे जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी नीतियाँ, उनका संकल्प पत्र हो, लो घोषण पत्र के रूप में उनका संकल्प पत्र हो या जो भी हो, मतलब जनता के बीच जाने के लिए उनकी नीतियाँ वो अलग तरीके से बनाते हैं और वो उसमें कभी भी स्थानीय लोगों को नहीं पूछा जाता। ये सबसे बड़ी कमी अब तक देखी गई, क्योंकि वो जब लड़ने वाले लोग होंगे संसद में और या विधानसभा में, लोकसभा में जब लड़ने वाले लोग होंगे, तब स्थानीय समाज के अनुरूप, स्थानीय लोकसभा विधानसभा के अनुरूप मुद्दे तैयार होंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। अपने हिसाब से कांग्रेस का मैनोफेस्टो अपने हिसाब का है, भारतीय जनता पार्टी का अपने हिसाब का है, पहाड़ की जो अस्मिता है, पहाड़ के संसाधनों की बात का है, और जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, आंदोलन चला, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई, जो भी हुआ है उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है राजनीतिक दलों के अपने घोषणा पत्र जी। बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता है। और हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हमने पहाड़ की पीड़ा देखी है, उत्तराखंड राज्य को बनते हुए देखा है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, कि चुनाव राष्ट्र के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से सांसद चुन करके जाएगा, यदि वो यहाँ के मुद्दे दिल्ली की संसद तक नहीं पहुंचाएगा, तो इसमें कितनी मजबूती मिल पाएगी इस क्षेत्र को? आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या सिर्फ जो विदेश नीति है, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वही सीमित रहने चाहिए, या फिर जो लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि तमाम जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पे इसीलिए सांसद बनाए जाते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों की बात दिल्ली की सांसद तक भी पहुंचाए। और जब संसद भवन में एक सांसद अपनी बातों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती मिलती है और केंद्र से या केंद्र को उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कहां पे क्या चल रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वोटरों का भी कहीं ना कहीं माइंड है कि मोदी जी को देखो, ये चुनाव मोदी जी का है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनना है, उनको बनाना है। तो ये क्या है, मतलब किस तरह से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो वोटरों का मन है, वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले के चुनाव में तो लगभग मतदाता शांति थे, लेकिन इस चुनाव में जो है पहली बार मैं थोड़ा ये भी देख रहा हूँ मतदाताओं की तरफ की, मैं बात कर रहा हूँ प्रत्याशियों की नहीं, कि मतदाताओं में कि उन्होंने कहा कि भाई हमें इस तरह का प्रत्याशी, हमारा इस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र की बात करे, हमारे मुद्दों की बात करे, जनता के बीच में आए, जब जो समस्याएं होती उनकी समस्याओं को सुने, इस तरह का प्रत्याशी की मांग जनता ने, मतलब वोटरों ने की है। और जहां तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, तो राष्ट्रीय मुद्दे तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं और उन मुद्दों के समाधान के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए तो हम प्रत्याशी चुनते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। फिर लोकसभा की हम बात करते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, यहाँ सुमन सागर जैसी इतनी बड़ी 42 वर्ग किलोमीटर की झील है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टीरी जो है, टीरी बांध है, कितना बड़ा बांध है, जो देश का मान बढ़ा रहा है, उसका भी मुद्दा है जी। मुद्दों पे हम बात करके एक अगली वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे। तो फिलहाल हमें जानेंगे कि जो टीरी लोकसभा सीट है, यहाँ से किसका पलड़ा कैसा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बॉबी पवार, तीनों की स्थिति किस प्रकार से नजर आ रही है? देखिए, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी जैसा बड़ा नाम है, जिस प्रकार से उनके पास कांग्रेस जैसा कमजोर विपक्ष है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का जो चुनाव जीतने का जो कुछ सालों का रिकॉर्ड है, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं, और तो उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है इस टिहरी लोकसभा सीट पर। और यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस ही, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल उपस्थिति दर्ज कराने तक ही सीमित है। अब बात करते हैं मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाले बॉबी पवार की, तो बॉबी पवार यदि इस टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करते हैं, तो अपने आप में ये इतिहास जो है, अपने आप में इतिहास बनेगा। और इसको यदि जीतते हैं, तो इसको हम अप्रत्याशित भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से वो जनता के बीच गए हैं,
जिस प्रकार से उनकी चुनाव की एक रणनीति रही है, जिस प्रकार से उनके साथ लोग जुड़े हैं, जिस प्रकार से स्वयंस्फूर्त जुड़े हैं लोग, एक तो बोल के जुड़ना होता है, एक अपने आप जुड़ना होता है, और जिस प्रकार लोगों ने आर्थिक सहयोग तक, क्योंकि इस जमाने में कौन किसी की आर्थिक मदद कर रहा है, छोटा चुनाव तो है नहीं ग्राम प्रधान का, चलो कोई मदद कर ले, कोई 1,000 की मदद कर ले, कोई 5,000 की मदद, लोकसभा के लिए आर्थिक रूप से भी जिस प्रकार से लोगों ने नरेंद्र प्रत्याशी बहुमी पवार की मदद की है, यदि वो जीते हैं तो इसे हम अप्रत्याशित नहीं कहेंगे, ऐतिहासिक हम इसको जरूर कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये चुनाव अपने आप में बहुत रोचक होने वाला है, और वैसे भी इतिहास बनने में देर नहीं लगती, चमत्कार भी होते हैं, कभी कभी हम ये होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो हमने जिसके बारे में हमने कल्पना दूर दूर तक भी नहीं की है वो बड़ा काम हो जाता है। तो इस तरीके का एक माहौल जो मैं समझता हूँ लोकसभा में बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन बॉबी पवार ने जिस प्रकार से ऊर्जा दिखाई है, उनकी टीम ने जिस प्रकार से ऊर्जा दिखाई है, और जिस तरह से लोग समर्पित भाव से उनके साथ जुड़े हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं यदि बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त कर लें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस फिलहाल इस रेस में तीसरे नंबर पर नजर आ रही है, तो देखना होगा कि 4 जून को किस प्रकार के परिणाम निकलते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य वीडियोस भी हम आपके पास रखेंगे, कुछ अन्य लोगों से बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आज की इस वीडियो में यहीं पे आपसे अनुमति लेते हैं, और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रघुभाई जरदारी जी थे, संपादक हेमलवाणी न्यूज उत्तराखंड से। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लाइन जोड़ देता हूं मैं अंत में, इस सीट पे चुनाव परिणाम जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए या बॉबी पवार चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस चुनाव ने ये जरूर दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की को या कांग्रेस को भविष्य में अपनी प्रत्याशी का चयन करने से पहले उनके पूरा बायोडाटे का पूरा बारी का अध्ययन करना होगा, और देखना पड़ेगा कि हमें चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी उतारना है, मतलब चिंतन मनन के लिए उन्हें विवश होना पड़ा है, इस चुनाव ने करके दिखाया है जी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हुआ है कि प्रत्याशी को भी सोच समझ कर चुनाव में उतारना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक के सीधे सवाल थे, और कहीं ना कहीं राजशाही पे भी एक प्रकार का हमला किया गया पब्लिक के द्वारा, और बॉबी पवार ने भी क्षेत्रीय मुद्दे उठाए, तो कुल मिलाकर के महारानी माला राजे लक्ष्मी शाह कई स्थानों पर कटघरे में खड़ी नजर आई, और उनके पास स्पष्ट जवाब भी नहीं थे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, धन्यवाद वरिष्ठ पत्रकार रघुभाई जरदारी जी का, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।